क्या, सेकेंड ईयर क्या, थर्ड ईयर क्या, या फिर हम मेन नर्स है, हम सब क्या थे, हम बाहर थे, कोई सर्वे कर रहा था, कोई पेशेंट केयर कर रहा था, ऐसी कंडीशन में जब कोई अपने फैमिली मेंबर से करीब नहीं था लेकिन हम उनके करीब थे, है ना, थे, आप लोगों ने पढ़ा न्यूज पेपर में, ठीक, कितने उस जो नर्सेस थी वो सबसे पहले अफेक्ट हो गई होंगी, ठीक है, क्योंकि हम एक सराउंडिंग में काम कर रहे हैं, इन्फेक्शन के बीच में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हम सबसे ज्यादा प्रोन है उस इन्फेक्शन के लिए, है ना। और कुछ ऐसे नर्सेस होंगी जो अपनी फैमिली को छोड़कर 15 डेज के लिए सेपरेट हो जाते थे, आइसोलेट हो जाते थे, और जब वो रिकवर होते थे फिर अपनी फैमिली से मिल पाते थे, है ना, ऐसा हम बहुत न्यूज पेपर में हम पढ़ते थे, ठीक। तो एक हम ग्लोबल हेल्थ के लिए काम कर रहे थे, हमारा भोपाल एक सिटी, हम भोपाल सिटी में बहुत सारी नर्सेस है ना, स्टूडेंट नर्सेस है, ट्रेन नर्सेस है, लेकिन हम इस छोटे से सिटी में रहने के बाद जब हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं तो हम एक बहुत बड़े ग्लोबल हेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो फिर हमको क्या आवाज उठानी चाहिए, कि हमको ये आवाज उठानी चाहिए कि अभी भी हम नर्सिंग जब फील्ड में आते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं, है ना, हम एज ए नर्स हम क्या, हमको सब कुछ आता है, डॉक्टर से कम डॉक्टर से ज्यादा हम क्योर दे रहे हैं पेशेंट को, 25% डॉक्टर असिस्ट करता है लेकिन 75% हम देखते हैं पेशेंट को, है ना, लेकिन फिर भी हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो पोस्ट है या फिर हमारा जो रिस्पेक्ट है वो हम अभी भी हम नहीं पाते, है ना। मोस्ट ऑफ गांव में हम देखते हैं कि जो नर्सेस है उनको बोला जाता है, ए भाई इधर आ, जरा सा सूजी लगा के जा, है ना। तो वो चीज हम अपने आप में, अगर हम अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं तो सामने वाला हमारे प्रोफेशन की जरूर रिस्पेक्ट करेगा, ठीक। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, थीम, द थीम ऑफ दिस ईयर नर्स डे इज नर्सेस ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट, राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ठीक। वंस अगेन आई थैंक यू अवर डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, अवर वाइस प्रिंसिपल मैम, मनोज कुमारी मैम एंड ऑल फैकल्टीज टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई वॉइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इफेक्टिव स्पीच।